यार फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिसका हम सालों से और महीनों से वेट कर रहे थे कि भाई मनी हेस्ट हमें हिंदी वर्जन में कब देखने को मिलेगी, और वो हो चुका है। और मैक्सिमम लोगों ने शायद अभी तक इस शो देखना स्टार्ट भी कर दिया होगा, लेकिन अगर कुछ लोगों ने नहीं देखा है तो उनके लिए स्पेशली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कि भाई मनी हेस्ट तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है, तो अगर आप वर्ल्ड की टॉप 10 वेब सीरीज़ निकालोगे तो मेरे लिए मनी हेस्ट टॉप 5 में आती है। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि यार किस लेवल की वेब सीरीज़ है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें आपको इमोशंस, लव, रिलेशनशिप, परफॉर्मेंस, कैरेक्टर डेवलपमेंट, लेजेंडरी कैरेक्टर, BGM, सिनेटोग्राफी, एक्शन, गसप की कहानी, यानी कि वो सारी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर शो में देखने को मिल जाएगी जो आप अलग अलग शोज में ढूंढते हो। मनी हेस्ट के चारों सीजन्स 2 बार कंप्लीट किए और अब फाइनली मैंने कल रात से इसका हिंदी वर्जन देखना स्टार्ट किया, और इसको भी मैं जल्द से जल्द ख़त्म करूँ, क्योंकि जब भी मैं शो को देखता हूँ मेरे लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस रहता है, एक नयापन रहता है। खैर अब बात करेंगे डबिंग की, तो यस डबिंग बहुत 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 अच्छी तरह से की गई है, यानी कि जैसा एक्सपेक्ट किया था मैंने बिल्कुल वैसे ही डबिंग मुझे सुनने को मिली। मुझे कहीं से भी कोई भी कैरेक्टर की वॉइस बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगी, बस हाँ एक कैरेक्टर को लेकर मुझे शिकायत है, वो है मॉस्को। अब मॉस्को का जो एक्सेंट है उसकी एज के हिसाब से वो सूटेबल नहीं लग रहा था मुझे, बस सारे एक्टर्स की डबिंग बहुत ही अच्छी तरह से की गई है और उनके कैरेक्टर को वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से मैच भी कर रहा था। मैं थोड़ा टेंशन में था कि यार प्रोफेसर और बर्लिन इन दोनों की वॉइस आर्टिस्ट किस तरह से जस्टिस करेंगे, लेकिन यार मानना पड़ेगा वॉइस आर्टिस्ट को, यार बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उस कैरेक्टर का जो इम्पैक्ट है ना ऑडियंस पे वो बना रहे, उस हिसाब से वो लोग ने डबिंग किया है। वरना अगर आप लोग द बॉयज सीरीज़ देखोगे तो उसमें किस तरीके से अर्जुन कपूर और राजकुमार राव ने किया था ना, वो तो मतलब एकदम सेंसलेस था, एकदम शेमफुल चीज़ थी। लेकिन यहाँ पर इस बार जो रियल डबिंग आर्टिस्ट है उन लोगों ने बहुत अच्छी डबिंग की है और उस कैरेक्टर में जान रखी है, मतलब एकदम मार नहीं दिया है। हालांकि उनके स्पेनिश वर्जन में जो उनकी वॉइस है वो तो एक अलग ही मज़ा है, लेकिन अगर जो लोग हिंदी डबिंग में देखना पसंद करते हो तो यार उनको कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे कि आपको पता है कि ये एक एडल्ट शो है तो यहाँ पर एडल्ट सीन तो है, लेकिन जो हिंदी डबिंग है उसमें आपको काफ़ी गाली गलौज सुनने को मिलती है, जो मुझे थोड़ी फनी सी लगी। मतलब उससे रिलेटेड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो सबका अपना अपना कंसर्न है, तो इसलिए ये शो आप अपनी फैमिली के साथ तो मत देखना। अब बिंदास होकर मनी हेस्ट देखो, एंजॉय करो, और जिन लोगों को मनी हेस्ट अभी भी अच्छी नहीं लगती तो उनके लिए ये इमेज है, जो करना है करो आप लोग, घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।